हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में जहां हम लोग आज बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट सेशन हमारा थोड़ा सा मे बी बोरिंग रहा होगा आप लोगों के लिए क्योंकि हमने उसके अंदर बहुत सारे नोबेल प्राइज़ देखे थे ठीक है किस किस को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है तो उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं ना तो उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन आज देखोगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप उन क्वेश्चन को करेंगे तो आपको लगेगा कि थैंक गॉड कि ये जो क्वेश्चन है वो हमसे हो पा रहे हैं और इनसे रिलेटेड हम अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कर लेंगे एक आइडिया लगेगा आपको कि यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा ठीक है बात हो रही है इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं तो उन्हें हम अभी अपने क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है और ये सारे क्वेश्चन हमारे इस बुक के अंदर इंक्लूड हैं तो अगर आपने अभी तक इन क्वेश्चन को यह इस बुक को नहीं लिया है और अगर आपके रिक्वायरमेंट है तो जरूर ले दोनों मीडियम्स के अंदर यह बुक अवेलेबल है और हिंदी है चाहे आपका मीडियम कोई भी है आप इस बुक को ले सकते हैं ओके okay, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा तो चलिए ठीक है तो हम यहाँ पे आज के सेशन में क्वेश्चंस देखने वाले हैं सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न बन रहा है देखेगा ये सारे आपके डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे खुद से थोड़ा करने की कोशिश करें कि क्या यहाँ पर आंसर हो सकता है देखिए पहला यहां पर प्रश्न है इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी हु डिमोन्स्ट्रेटेड दैट देर देयर आर फोर्टीन स्पेस लेक्टिक्स आर रेगुलरली रिपीटिंग अरेन्जमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस दैट डिफर इन सिमेट्री एंड जियोमेट्री आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने ये प्रमाणित किया कि चौदह आकाशीय जालक या अंतरिक्ष में बिंदुओं की नियमित पुनरावर्तक अवस्थाएँ हैं जो समरूपता और जा में भिन्न होती हैं तो आपसे पूछा गया है कि इसके बारे में किसने आपको यहाँ पर बताया था फर्स्ट यहाँ पर ऑगस्टे ब्राविस सेकेंड है विलियम ब्रैग थर्ड है जेरोम कार्ले एंड डी है चार्ल्स फ्रैंक तो ध्यान रखिएगा ये आपके देखो एस एस सी के अंदर पूछा गया है इसीलिए हमने इस टॉपिक को हमारी बुक के अंदर इंक्लूड किया है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में वो हमने सारे एक जगह पर इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े और आप आराम से इन क्वेश्चन को ईजिली कर पाएँ अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे राइट right आंसर है अगस्ते ब्राविस जो है इन्होंने ये प्रमाणित किया था कि जालक या जो आपके चौदह आकाशीय जालक या अंतरिक्ष में बिंदुओं की नियमित पुनरावर्तक व्यवस्थाएं हैं जो समरूपता या जामिति के अंदर भिन्न भिन्न होती हैं ये बताने वाले कौन थे तो ये आपके बताने वाले थे अगस्ते ब्राविस ठीक है तो यहाँ पे आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़े ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपके पास है एज पर एंड देयर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्कवरीज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इन करेक्ट आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भौतिक विद और उनके प्रमुख योगदान या खोज के संबंध में है और इनमें से कौन सा युग्म आपका गलत है ये भी एस सी सी दो में पूछा गया है जॉन बार्डिन थ्योरी ऑफ सुपर कन्डक्टिविटी यानी कि जॉन बार्डन ने अतिचालकता का सिद्धांत दिया सेकेंड है लुइस विक्टर डी ब्रोगली वेव नेचर ऑफ मैटर लुई विक्टर जो ब्रोगली हैं उन्होंने पदार्थ की तरंग प्रकृति को दर्शाया थर्ड आपके पास है विक्टर फ्रांसिस हैस जिन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन के बारे में बताया एनडी है पॉल डिराक जिन्होंने लिक्विड हीलियम के बारे में बताया तो यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा कौन सा युग्म गलत है तो डी नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है बाकी सही है सुपर कंडक्टिविटी के बारे में किसने बताया था जॉन बार्डन डी ब्रॉगली ने पदार्थ की तरंग प्रकृति के बारे में बताया और फ्रांसिस हैस ने कॉस्मिक रेस यानी कि ब्रह्मांडीय विकिरणों के बारे में बताया था तो यहाँ पे तीनों ही सही हैं बट डी नंबर जो है वो आपका यहां पे मैच नहीं कर रहा है और इसीलिए ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा चले आगे ठीक है चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है इन विश ईयर डिड द इंग्लिश साइंटिस्ट ने माइकल फेराडे डिस्कवर बेंजीन इन द इल्यूमिनेटिंग गैस माइकल फेराडे नाम के एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक गैस में एक बेंजीन की खोज करी थी बेंजीन बेंजीन जो है वो आपका जिस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है ना तो पूछा गया है इसकी खोज जो है वो माइकल फेराडे ने करी थी इतना आपको बता दिया है और पूछा गया है कब की गई थी अट्ठारह सो सत्ताईस अठारह सो या फिर 1825 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे ने यहाँ पर 1825 के अंदर बेंजीन की खोज करी थी और कैसा एक इल्यूमिनेटिंग गैस के अंदर मतलब एक ऐसी गैस जिसके अंदर से ज्वाला प्रदीप्त होती है लाइट प्रदीप्त होती है उसके अंदर से इन्होंने बेंजीन को यहाँ पर डिस्कवर किया ठीक है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट देखो वेन डिड कॉल फेडरिक गौस एंड विलहम एडगोर्ड वेबर इन वेंट द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टेलीग्राफ वर्ल्ड सॉरी कॉल फेडरिक गौस और विलहम एडवर्ड वेबर दुनिया के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का विष्कार कब किया गया था ये आपसे पूछा गया है यानी कि यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि विद्युत चुंबकीय जो टेलीग्राफ है इसका विष्कार फेडरिक गॉस और एडवर्ड वेबर ने किया था ठीक है परंतु कब किया ये आपसे पूछा गया है अब देखो यहां भी अगेन 2023 के अंदर ये प्रश्न आपका पूछा गया है एस एस सी के अंदर तो ध्यान रखिएगा 1833 के अंदर 1833 में इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया था यानी कि उसको इन्वेंट किया था उसको बनाया था क्लियर नेक्स्ट देखो द फेमस फिजिसियस विक्टर फ्रेंस हैस इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक विक्टर फ्रॉन्ज हैस जो है इनमें से किस खोज के लिए वो प्रसिद्ध है यानी कि उन्होंने किसकी खोज करी थी ये आपसे पूछा गया है फर्स्ट है यहाँ पे कॉस्मिक रेडिएशन सेकंड है क्वांटम स्टैटिक्स थर्ड है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स एंड डी है थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी आपसे पूछा गया है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो हमारे फेमस फिजिस हैं जिनका नाम क्या है विक्टर फ्रांच हैस है या फ्रांच हैस है तो इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन की खोज करी थी ठीक है कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं ब्रह्मांड से निकलने वाली जो किरणें हैं वो कॉस्मिक किरणें हैं इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकता है ठीक है लगातार ये रेडियश निकलती रहती हैं और आपका राइट right आंसर होगा एक नंबर कि विक्टर फ्रांच इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन की खोज करी थी और इसके लिए ये फेमस हैं और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया ठीक है नेक्स्ट देखो इन 1887 एटी एक्सपेरिमेंट वॉज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द हाइपोथेटिकल फेरस ईथर 1887 में इनमें से किसके द्वारा ये प्रयोग किया गया कि काल्पनिक प्रकाशवाही ईथर यानी कि एक ऐसा ईथर जिसमें से अब का क्या निकल रहा है प्रकाश निकल रहा है तो उसके अंदर उन्होंने पृथ्वी के वेग को खोजने का एक प्रयास किया था आपसे पूछा गया है किसने किया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल सेकेंड है मिशेल्सन एंड मॉर्ले, सी है पीटर जीमन एंड डी है हैंड्रिक एंटोनी लॉरेंस आपसे पूछा गया है किसने ये किया था ये जो पृथ्वी का वेग है इसको खोजने का प्रयास कहाँ से प्रकाशवाही जो ईथर है उसके संबंध में तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा मिशेल्सन एंड मॉर्ले ठीक है मिशेलसन एंड मॉर्ले हैं इन्होंने ये प्रयास किया था इन्होंने ये ट्राई किया था एक्सपेरिमेंट क्या था कि काश हमें यहां से अर्थ का वेलोसिटी पता चल जाए काश तो नहीं मतलब इन्होंने ये यह एक्सपेरिमेंट यहां पर किया था इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है चले आगे नेक्स्ट देखो हिदेकी युकावा यहाँ पे मैंने उस टाइम पे भी बोला था ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है हिदेकी युकावा रिसीव विद द नोबेल प्राइज इन 1949 फोर्टी नाइन इज वेल नोन फॉर विश डिस्कवरी हिदेकी युकावा को किस खोज के लिए उन्नीस सौ उनचास में नोबेल प्राइज दिया गया था और ये काफी ज्यादा फेमस भी हैं अपनी इस खोज के लिए फर्स्ट है थर्मल आयोनाइजेशन यानी कि तापीय आयनीकरण सेकेंड है कैस्केड प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन ब्रह्मांडीय विकिरण की कैस्केड प्रक्रिया थर्ड है थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस परमाणु बलों का सिद्धांत एंडी है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मापन हिदयी युकावा काफी ज़्यादा फेमस है और इनका जो योगदान है वो है परमाणु बलों का सिद्धांत परमाणु बल परमाणु जो है परमाणु के बीच में क्या होता है नाभिक नाभिक में क्या होते हैं आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसे ही हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं और इसके बारे में बताने वाले कौन थे हिदयी युकावा और जिसके लिए इनको उन्नीस में नोबेल प्राइज़ दिया गया था ठीक है तो ध्यान रखिएगा यहाँ से सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट से हु फाउंड एन एम्पीरियर रिलेशनशिप बिटवीन द हाफ लाइफ ऑफ एल्फा डी के एंड द एनर्जी ऑफ द इमिटेड एल्फा पार्टिकल्स इन नाइनटीन इलेवन आपसे पूछा गया है 1911 में एल्फा शय एल्फा शे के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित एल्फा कणों की ऊर्जा के बीच में एक यहाँ पे जो प्रैक्टिकल है एक प्रायोगिक सिद्धांत संबंध जो है वो किसने खोजा था ये आपको यहाँ पर बताना है आपके पास ऑप्शन है फर्मी एंड मीटना सेकेंड है गीगर एंड नटल थर्ड है चैडविक एंड लॉरेंस एंड डी है सोडी एंड एस्टन आपसे पूछा गया है कि ये जो आपके एक्सपेरिमेंट है ये किसने यहाँ पर बताया था मतलब जो अल्फा एल्फाशय का अर्ध काल है और जो उत्सर्जित अल्फा कण है उनके बीच में जो रिलेशन है उनके एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है प्रैक्टिकल रिलेशन ये किसने बताया तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गीगर एंड नटल ठीक है गीगर एंड नटल इनके द्वारा ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और जिसके जरिए इनके बीच में एक रिलेशन यहाँ पर बताया गया ठीक है तो राइट right आंसर क्या होगा आपका बी नंबर जो है ये यह यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट देखो विस्ट सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए ठीक है यानी कि जो भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है चुंबक को भी उसके ऊपर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए ये यहाँ पर किसने बोला था फर्स्ट है माइकल फेराडे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया सेकेंड है आंद्रे मेरी एम्पियर थर्ड है जोसेफ हेनरी एंड डी है विलियम गिलबर्ट तो ध्यान रखिएगा ये जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत दिशा में बल लगाना चाहिए तो ये कहा था आंद्रे मैरी एम्पियर जिन्होंने करंट के बारे में बताया और एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट है और एम मीटर जो है अब मीटर के थ्रू हम लोग करंट को मेजर करने का, का काम करते हैं ठीक है तो करंट के बारे में इन्होंने ही बताया था और इसी वजह से करंट का यूनिट क्या है एम्पियर है ठीक है नेक्स्ट देखो हु फाउंडेड द वैल्यू ऑफ जी जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई हम बोलते हैं ना एफ परपोर्शनल एम वन एम टू अपॉन में आर का स्क्वायर फिर हम लोग एफ बराबर ये फोर्स है और हम लगाते हैं जी एम वन एम टू अपॉन में आर का स्क्वायर तो ये जी क्या है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट uh, है यानी कि गुरुत्वाकर्षण ये स्थिरांक है ये इसी की बात हो रही है कि जी के मान की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई फर्स्ट है हैंनरी कैमेंडिश सेकेंड है माइकल फेराडे थर्ड है आइजक न्यूटन एंड डी है यहाँ पर मैरी क्यूरे आइजक न्यूटन जो है ना इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया कि ग्रेविटेशन क्या होता है परंतु ये जो जी है ना इसकी वैल्यू के बारे में बताया था हैंनरिक एवेंडिश ठीक है इसकी वैल्यू किसने दी थी हैनरिक एवेंडिश ने दी थी तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा माइकल फेराडे इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था मैरी क्यूरी है पियरे क्यूरी इन्होंने रेडियम की खोज करी थी और रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी जो है इसके बारे में और ज्यादा बताया था ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिएगा इन 1664 हु डिस्कवर्ड द फिफ्थ स्टार इन द ट्रैपिज़ियम एंड एस ठीक है मिनी कॉन्स्टेलेशंस इन द कॉन्स्टेलेशन ओरियन ये पूछता है ये कहता है कि सोलह में ट्रेपीजियम में पांचवें तारे की खोज किसने की थी जो नक्षत्र ओरियन के अंदर एक तारामंडल भी है ठीक है जो नक्षत्र ओरियन के अंदर एक तारामंडल है ये यहाँ पर किसने बताया था आपके पास ऑप्शन हैं जॉर्ज uh, विलिस रिची सेकेंड है uh, जियोडॉर्नो ब्रूनो थर्ड है जोहान स्कैपलर एंड डी है रॉबर्ट हुक देखो जोहान स्कैपलर जो है ना इन्होंने तारों की गति के बारे में बताया था ठीक है इन्होंने तारों की गति के बारे में बताया था कि तार किस प्रकार से मोशन करते हैं परंतु ये ट्रेपेजियम में पांचवें तारे की खोज करी थी जो कि और नक्षत्र में एक पूरा तारामंडल है तो ये बताने का काम क्या था रॉबर्ट हुक ने तो डी नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये किसने बताया था तो ये बताया था रॉबर्ट हुक ने ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट यहाँ पे इवेंजलिस्टा स्टार फेमस फॉर व्हाट डिस्कवरी आपसे पूछा गया है कि इवेंजलिस्टा स्टार जो है वो किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं आपके पास ऑप्शन है इन्वेंशन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग तुला का आविष्कार सेकेंड है इन्वेंशन ऑफ पीजोमीटर थर्ड है इन्वेंशन ऑफ मरकरी बैरोमीटर डी है इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम गेस वैक्यूम गेस का आविष्कार इवेंजलिस्टर टोरिसली जो है मैंने जब आपको ये करवाया था तब भी आपको बताया था कि इन ये बहुत ज़्यादा इनसे रिलेटेड प्रश्न आता है तो इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था और एयर प्रेशर जो है इसके बारे में बताया था ठीक है वायुमंडलीय जो दाब होता है इसके बारे में बताया और साथ में आ, जो मरकरी बैरोमीटर है क्योंकि बैरोमीटर से हम लोग एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है उसी को ही मेज़र करने का काम करते हैं तो इसको बारे में बताने वाले कौन थे इवेंजलिस्टर टोरिसली और आप ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि बैरोमीटर में मरकरी पारे का इस्तेमाल होता है तो इसलिए हम बोल रहे हैं मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार इवेंज़लिस्टा टॉरीसेली के द्वारा किया गया ठीक है नेक्स्ट देखो हु अमंग द फॉलोइंग नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल एवरी टाइम करंट वाज पास थ्रू द वायर इनमें से किसने प्रत्येक बार तार से धारा प्रवाहित होने पर कम्पास सुई के विक्षेपन को देखा कि सुई का क्या हो रहा है जैसे हर बार धारा उसके अंदर से प्रवाहित हो रही है तो विक्षेपित हो रही है कभी इधर कभी उधर यानी कि उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है किसने बताया सी वी रमन विलियम स्टर्सन थर्ड है थॉमस एल्वा एडिसन एनडी है हेंस क्रिश्चन अस्टमल ऑरेस्टेड ठीक है तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि कंपास में डिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है जैसे ही क्या होगा जैसे ही करंट को फ्लो किया जाएगा करंट को प्रवाहित किया जाएगा तो यहाँ पे बताने वाले कौन थे तो ऑरेस्टेड ठीक है डी नंबर आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा इन्होंने ही ये देखा था कि जैसे हर बार तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो हर बार क्या होगा जो कम्पास की सुई है वो उसमें विक्षेपण आता है ये बताने वाले थे हैंस क्रिश्चन और चले आगे नेक्स्ट देखो लॉन्ग रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड लंबी रेडियो तरंगों की खोज किसके द्वारा की गई थी आपको ध्यान रखना है जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है इनकी जो सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं इनकी वेव इनकी जो वेव होती है जिसको आप लोग इनकी जो वेव होती है वो सबसे ज़्यादा होती है ठीक है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे कम और एनर्जी भी इसके अंदर कम होती है क्योंकि ये दोनों अपोजिट होते हैं आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि लॉन्ग रेडियो वेव्स के बारे में इसको किसने डिस्कवर किया था इसके बारे में किसने यहाँ पर बताया था गुलगेमो मार्कोनी आइजक न्यूटन हैनरिक हर्स या फिर डब्ल्यू रॉन्सन आपको बताना है कि इसके बारे में किसके द्वारा बताया गया था जो रेडियो वेव्स हैं उनकी खोज किसने करी थी या रेडियो वेव्स के बारे में किसने बताया था तो यहाँ पर आपका जो राइट right आंसर है वो हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल सही है मार्कोनी ने ही लंबी जो रेडियो वेव्स हैं उनका अविश उनकी खोज करी थी या इनके द्वारा ही रेडियो वेव्स के बारे में बताया गया था ओके okay? चलिए डब्ल्यू रॉन्चन है इन्होंने किसके बारे में बताया था इन्होंने एक्स किरणों के बारे में बताया था ठीक है हेनरिक हर्स जो है इन्होंने फ्रिक्वेंसी के बारे में बताया था ठीक है और आइजैक न्यूटन को आप जानते हैं ग्रेविटेशन के बारे में बताया कैलकुलस के बारे में बताया न्यूटन की गति के नियम इन्होंने दिए हैं तो इनका इनका योगदान तो बहुत ज़्यादा अग्रणी रहा है किन का आइजैक न्यूटन का ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट से हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑप्टेन ए स्पेक्ट्रम बाई पासिंग लाइट थ्रू ए प्रिज्म

ठीक है और यहाँ पर अगर बात करें आइजेक न्यूटन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ही बताया कि अगर आप लाइट को प्रिज्म से पास करवाएंगे तो वो अपने सात रंगों में टूट जाती है सात रंगों में जो ये विभक्त होने वाली घटना है इसी को ही हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं इसी को ही हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं और इसके बारे में बताने वाले कौन थे आइजेक न्यूटन थे ठीक है कि उन्होंने बताया आइज़ेक न्यूटन ने तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर आपके पूछा जाता है ठीक है नेक्स्ट देखो next who said the following statement we uh, owe a lot of indians uh, who taught us how to count without which no worthwhile scientific discovery could have been made sorry made आपसे कहा गया है किसने ये कथन कहा था कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गणना करना सिखाया और जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती थी किसके द्वारा ये कहा गया है फर्स्ट है यहाँ पर गैलीलियो सेकेंड है न्यूटन थर्ड है फैडरिक हर्सबर्ग एंड डी है अल्बर्ट आइंस्टीन क्योंकि हमने यहाँ पर ज़ीरो के बारे में बताया था जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई ठीक है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा था कि हम भारतीयों के बहुत जिन्होंने हमें गणना करना सिखाया और जिनके बिना कोई सार्थक नहीं हो सकती। भी करना है कैलकुलेशन की नींद पड़ेगी और वो हमने ही यहां पर दिया है इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा गया ठीक है तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा डी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाय हैनरी बैकेरल हैनरी बैकेरल ने क्या खोज करी थी फर्स्ट है इंफ्रा विकिरण सेकेंड है अल्ट्रा रे थर्ड है एंड डी है रेडियो एक्टिविटी हमने बहुत बार देख लिया और मैंने आपको ये बार बार बताया भी था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है बार बार यहाँ से जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है हैंनरी बैकरल जो है इन्हें रेडियो धर्मिता के लिए जाना जाता है और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसीलिए जब हम इसकी इकाई की बात करते हैं इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसकी इकाई क्या है बैकरल है बैकरल भी है ठीक है क्यूरी भी आता है उसके अलावा रदरफोर्ड भी आता है तो ये इसकी कुछ आ, जो यूनिट्स हैं उनके ही नाम हैं परंतु ध्यान रखिएगा रेडियो एक्टिवि आ, रेडियो एक्टिविटी जो है इसकी खोज का श्रेय इसकी डिस्कवरी का श्रेय हैंनरी बैकेरल को जाता है ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा डी नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट देखो द टेलीफ़ोन वॉज इन्वेंटेड इन टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था यह आपको बताना है ठीक है फर्स्ट है अठारह बेल ने किया था ठीक है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अठारह में अठारह सौ या अठारह आपको बताना है टेलीफोन का जो आविष्कार है वो कब किया गया था अब नाम भी याद रख लीजिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है इनके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया और अगर आपसे पूछा गया है कौन से सन में तो याद रखना है 1876 आप देख रहे हैं ना बहुत समय पहले ही टेलीफोन का आविष्कार हो गया था लगभग साल के आसपास हो गया है यहां इस इतना समय पहले टेलीफोन का आविष्कार हो गया था ठीक है नेक्स्ट देखो विश्व ब्रिटिश फिजिसिय वॉज द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906 जीरो सिक्स फॉर हिज वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के खोज पर उनके कार्य के लिए किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिकों को uh, वैज्ञानिक को 1906 में उनकी भौतिकी के नोबेल प्राइज आ, से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फर्स्ट है जेम्स चैडविक सेकंड है जे जे थॉम्सन थर्ड है नील्स बोहर एंड डी है अन एस तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जो है वो किसको जाता है तो वो जाता है जे जे थॉम्सन को किनको जाता है जे जे थॉम्सन और इन्होंने परमाणु का कौन सा मॉडल दिया था परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल कौन सा प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था ठीक है रदरफोर्ड जो है इन्होंने की कोश खरी थी ठीक है नाभिक के बारे में बताया प्रोटोन के बारे में बताया और एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था क्लियर अगर मैं बात करूँ जेम्स चैडविक तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी उन्नीस के अंदर तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी और परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था अगर हम बात करते हैं अनस सदाफो तो इन्होंने अल्फा नाभिक के बारे में बताया और कहीं क्या आता है प्रोटोन के बारे में बताया वैसे प्रोटोन के बारे में गोल्डसिन ने बताया और साथ ही में अल्फ़ा कंस स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो इनके द्वारा किया गया था और इसी के जरिए ही इन्होंने नाभिक के बारे में बताया था ठीक है और जो नील्स बोहर हैं इन्होंने

बताइए <coughs> चले आगे नेक्स्ट देखो इन 1752 विच अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोज आर एसेंशियली द सेम फिनोमेना 1752 में कौन से अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दिखाया कि तड़ित और कपड़ों से निकली चिंगारी अनिवार्य रूप से घटना ही है आपको बताना है कि ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया है और ये कहाँ के हैं तो ये है आपके अमेरिका की अमेरिकी साइंटिस्ट हैं आर्किमिडीज आर्किमिडीज ने तो तैरने के सिद्धांत दिए हैं सेकेंड है बेंजामिन फ्रैंकलिन थर्ड है गैलीलियो गैलीली एंड डी है आपका थॉमस एडिसन थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था ठीक है गैलीलियो गैलीली ने आपके जड़त्व का आविष्कार किया और परंतु ध्यान रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि उन्होंने बताया कि जो भी हमें कपड़ों से लाइटनिंग को स्पाइक दिखता है वो जस्ट क्या है एक फिनोमिना ही है ठीक है घटना ही है नेक्स्ट देखो नेम द वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी

फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रकार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक है इन सब के बारे में और रिलेटिविटी की जो थ्योरी है वो भी अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दी गई थी तो ये बहुत सारी खास उपलब्धियाँ हैं जिनकी वजह से आज हम ब्लैक होल वगैरह ये सब चीज़ें बता पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब फिज़िक्स का बेस आप बोल सकते हैं बहुत सारी प्रोग्रेस हमने इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर करी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा किन्होंने दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया ओके चलिए नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द मॉडर्न मरकरी थर्मामीटर विद ए स्टैंडर्डाइज स्केल मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक जो पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है यह आपको बताना है थर्मामीटर जो है वो आप जानते ही होंगे कि थर्मामीटर जो है ना ये आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है बॉडी का हम टेम्परेचर इससे ज़्यादा टेम्परेचर मेज़र नहीं होगा थोड़ा टेम्परेचर ही मेज़र होगा इससे हम जनरली बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने का काम करते हैं और यहाँ पर आधुनिक पारा थर्मामीटर की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा डैनियल ग्रैबिल फारनेहाइड जो है इनके द्वारा बताया गया है आपने देखा होगा ना हमारे बॉडी का टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी ठीक है अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो सैंतीस डिग्री सेल्सियस होगा अगर हम फार्नेट में बात करते हैं 98.2 डिग्री 98.6 डिग्री फार्ने हाइट एंड अगर हम कैलविन में बात करते हैं तो 310 सौ दस कैलविन ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर है और जनरली हम बोलते हैं ना 102, 103, 100 डिग्री बुखार हो गया है क्योंकि हम वहाँ पे फार्ने की बात कर रहे हैं हम वहाँ पे डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं सौ डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि आप उबलोगे जितना पानी गर्म होता है इतना नहीं होता है वो आपके फार्ने हाइट के अंदर टेम्परेचर होता है ठीक है तो जो हमारे पास आधुनिक थर्मामीटर है जो मरकरी का थर्मामीटर है क्योंकि थर्मामीटर के अंदर भी हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेनिल ग्रैबिल जो फार्ने है इनके द्वारा ही इसको इन्वेंट किया गया तो सी नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है वैसे जो एंडर सेल्सियस है इन्होंने ही सेंटीग्रेड जो पैमाना है इसके बारे में बताया था सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड जो पैमाना है जो स्केल है वो बताने का काम तो एंडर सेल्सियस ने किया था परंतु जो हम थर्मामीटर की बात कर रहे हैं वो किसने उसका आविष्कार किसने किया था डैनियल ग्रेबियल फारने के द्वारा ओके नेक्स्ट देखो सुपर कंडक्टिविटी वॉश डिस्कवर्ड बाय डैश हु वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1911. अति चालकता की खोज डैश के द्वारा की गई जिन्हें 1911 में भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था यानी कि यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी की बात हो रही है सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है कि वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगा क्योंकि प्रतिरोध बिल्कुल नहीं होगा तभी तो करंट बहुत अच्छे से फ्लो करेगा अब पूछा गया है रॉबर्ट बैसन ने बताया जो हांस डैड्रिक वेंडरवॉल वेंडरवॉल्स ने हेग कामरेलिंग ऑन्स ने या फिर गुस्साफ क्रिशोफ ने आपको बताना है कि सुपर कंडक्टिविटी के बारे में किसने बताया था तो ध्यान रखिएगा हेग कामरेलिंग ऑन्स जो है इसके द्वारा सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बताया गया है बताइए चलें आगे नेक्स्ट देखो हु अमंग द फॉलोविंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड कैवलर आपसे पूछा गया है कैवलर जो है इसका अविष्कार किसने किया था कैवलर एक पॉलीमर है और इसका आविष्कार हम लोग बुलेट प्रूफ वगैरह चीज़ें बनाने में करते हैं तो आपसे पूछा गया है कि कैवलर का जो अविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया है मैरी एंडरसन सेकेंड है आपका स्टेफनी लुइस कॉवलिक थर्ड है स्टीव व एंड डी है जॉर्ज ईस्टमैन तो ध्यान रखिएगा कैवलर की जब हम बात करते हैं तो कैवलर का जो आविष्कार है स्टेफनी लुइस कॉवलिक के द्वारा किया गया है इसी से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कैवलर तो ये आपको याद रहेगा ठीक है कैवलर एक पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ चीज़ें जैकेट्स वगैरह ये सब बनाने में हम लोग करते हैं नेक्स्ट देखो द अमेरिकन साइंटिस्ट एडविन हबल एसोसिएटेड विद विच ऑफ दीज थ्योरीज अमेरिकी साइंटिस्ट हैं एडविन हबल इनका नाम जो है वो कौन से यहाँ पे थ्योरी से जुड़ा हुआ है कौन से सिद्धांत से जुड़ा हुआ है फर्स्ट है यहाँ पे लेटेस्ट गिस्ट थ्योरी सेकेंड है क्वांटम क्रोमोडाइनमिक्स डायनिक्स थ्योरी थर्ड है पार्शियल कोहोरेंस ऑफ लाइट थ्योरी एंड डी है द बिग बैंग थ्योरी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडविन हबल तो एडविन हबल जो है इनका नाम जुड़ा हुआ है द बिग बैंग थ्योरी ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और नोबेल प्राइजेस जो हैं आप उनको लगातार आप उनको रिविज़न में लें डिस्कवरीज जो हैं इन्वेंशनस हैं आप उनको रिविज़न के अंदर लें ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से याद हों आपने मोस्टली देखा होगा आपसे सिद्धांत वगैरह यही ज्यादा पूछे गए हैं नोबेल प्राइज वगैरह जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं बट इतने ज्यादा नहीं हैं ठीक है थीके? तो जो डिस्कवरीज हैं इन्वेंशन हैं एटलीस्ट उनको तो आप बहुत अच्छे से याद कर लें क्योंकि वहां से ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ओके okay? चलिए आगे है हु अमंग द फॉलोविंग डेवलप द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का पहला जो प्रोटोटाइप है वो किसके द्वारा विकसित किया गया फर्स्ट है ट्योडो श्वान सेकेंड है रॉबर्ट हुक थर्ड है एंटोनी वॉन ल्यूवन हॉक एंटी है अर्नस रुस्का तो ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है वो अर्नस रुस्का के द्वारा डेवलप किया गया था तो यहां पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बताइए चले आगे ठीक है नेक्स्ट देखो द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वॉज गिवन बाय प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया फर्स्ट है आइंस्टीन, सेकंड है न्यूटन थर्ड है फेराडे एंड डी है प्लैंक ठीक है मैक्स प्लैंक। तो ध्यान रखिएगा मैक्स प्लैंक के द्वारा ही प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया गया इन्होंने कहा प्रकाश ऐसे बंडल्स के फॉर्म में होता है जिसे नाम दिया गया था फोटोन्स का क्योंकि प्रकाश कण और तरंग दोनों ही प्रकार का एक ड्यूल नेचर रखता है कर्ण की तरह भी व्यवहार करता है और वेव की तरह भी व्यवहार करता है तो जो कर्ण है वो उसको नाम फोटोन दिया गया है तो ये जो क्वांटा थ्योरी है वो मैक्स प्लैंक के द्वारा दी गई है तो राइट आंसर आपका होगा डी नंबर बाकी के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात कर ली है नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स वॉज इन्वेंटेड बाय न्यूटन आपसे पूछा गया है न्यूटन के द्वारा गणित की इनमें से कौन सी शाखाओं का आविष्कार किया गया था फर्स्ट है कैलकुलस सेकंड है लॉजिक थर्ड है ज्योमेट्री एंड डी है एल्जेब्रा तो ध्यान रखिएगा न्यूटन की जो बात आती है तो न्यूटन का जो नाम है वो जुड़ा हुआ है कैलकुलस से न्यूटन के द्वारा कैलकुलस का आविष्कार किया गया न्यूटन के द्वारा ग्रेविटेशन की बात करी गई न्यूटन के द्वारा गति के नियम दिए गए ठीक है ये सारी चीज़ें न्यूटन के द्वारा आ, आ, लाइट का जो स्पेक्ट्रम का सिद्धांत है वो दिया गया तो बहुत सारी चीजें दी गई थी ठीक है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट देखो वट डिड विलम कौनार्ड रॉन्जन डिस्कवर विलम कॉन्डोट रॉन्ग जो है इन्होंने क्या खोजा था इसके बारे में हमने बहुत बार बात करी और मैंने आपको बोला भी कि बहुत बार यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है इवन मल्टीपल टाइम्स आप कितने भी पेपर उठा के देख लो डिफ़रेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स उठा के देख लो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा कि जो विलम रॉन्डन है इन्होंने किसको डिस्कवर किया या एक्स किरणों की खोज किसने करी मतलब वही पूछने का तरीका बदल जाएगा इस तरीके से प्रश्न आपसे बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर आ गया है तो यहां X -Kirne. X -Kirne है है तो पे होगा की की खोज जो वो ने थी ठीक X इसके इस्तेमाल हमने बहुत जगह देखे हैं कि के क्या क्या हैं देखें Next, so last question है विद्युत नेक्स्ट इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसका आविष्कार किसने किया फर्स्ट यहाँ पे अब आपने देखा होगा कि जो इन्वेंशनस है डिस्कवरीज हैं उनसे क्वेश्चन आता है तो उनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है अल्बर्ट आइंस्टीन आइजेक न्यूटन थॉमस एल्वा एडिसन एंड एलेक्जेंडर ग्राहम बेल देखो इन्होंने तो क्या किया था इन्होंने फ़ोन का आविष्कार किया ठीक है और उसके बारे में हम पहले इनके बारे में बात कर चुके हैं तो राइट right आंसर होगा थॉमस एल्वा एडिसन इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया आज हम जो लाइट में बैठे हैं लाइट जलती है इवन जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं ठीक है लाइट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसका आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाता है जिसके अंदर हम लोगों ने इन्वेंशन देखे जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कवरीज देखी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही में नॉबल प्राइज़ देखे नॉबल प्राइज़ से हर से तो क्वेश्चन नहीं आएगा बट जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं उनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है ठीक है और बाकी का हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि फिजिक्स से रिलेटेड हैं वो देखेंगे और साथ में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे आ, जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और फिर हमारा जो फिज़िक्स है वो कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है और आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टेक केयर बाय बाय